एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप ये सोच रहे हो कि लॉ एज अ करियर जो है ये कैसे परस्यू करना है, और कंफ्यूज्ड हो कि 3 ईयर और 5 ईयर LLB में से कौन सा बेहतर है? बिकॉज हमेशा जब भी हम अलग अलग रिसोर्सेस को रेफर करते हैं, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, सबके जो एडवांटेजेस वो पॉइंट आउट करते हैं वो अलग अलग होते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है, या फिर आप अपने 12th स्टैंडर्ड को परस्यू करने वाले हो और ये सोच रहे हो कि मुझे अभी से ही लॉ की तैयारी जो है ये स्टार्ट कर देनी है, तो आपको 5 ईयर्स LLB जो है ये करना होगा। अब ये 5 ईयर्स LLB करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? अब देखो, एज सच कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होता है 5 ईयर और 3 ईयर का। हाँ, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो जरूर फर्स्ट पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जो है देती है। कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो एडवांटेजेस प्रूव हो सकते हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है 5 ईयर्स लॉ परस्यू करने के लिए, उनके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बिकॉज देखो, अगर लॉ एज अ करियर आपको परस्यू करना है, मतलब आपको एक लॉयर या फिर हम जैसे बोलते हैं एडवोकेट बनना है, जो एक लॉ प्रैक्टिस करना चाहता है, तो फिर एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देना कंपलसरी है। बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आप जो है लॉ एज अ करियर जो है परस्यू नहीं कर पाओगे। बिकॉज LLB परस्यू करने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम्स जो है अब कंपलसरी हो चुकी है। तो गाइस, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम क्लियरली समझ ले कि 5 ईयर्स लॉ जो है क्या सिर्फ वो स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं जो 10th, 11th या 12th में है। द आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी होती है 5 ईयर्स लॉ परस्यू करने के लिए। तो अगर किसी स्टूडेंट का, मान के चलिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या फिर वो इस वक्त जॉब कर रहा है, करियर में उसको ब्रेक लिया है, वॉट एवर इट इज, बट वो अब सोच रहा है कि मुझे लॉ डिग्री परस्यू करनी है और उसका एम है कि मुझे 5 ईयर्स लॉ परस्यू करना है, तो ये ऑप्शन हर किसी के लिए जो है अवेलेबल होता है। हाँ, बट एलिजिबिलिटी ये होती है कि या तो आपका 12th आप परस्यूइंग होनी चाहिए, या तो आपका 12th जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब 5 ईयर लॉ जो है ये क्यों ज्यादा स्टूडेंट्स जो है सोचना स्टार्ट कर दी है? बिकॉज हर साल हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 25% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, और ये शार्प इंक्रीज हमें 5 ईयर्स लॉ में देखने मिल रहा है। बिकॉज आज के टाइम पे अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब अगर आपको ग्रेजुएशन परस्यू करना है तो आपकी ग्रेजुएशन का जो पीरियड है ये 4 ईयर्स हो गया है। पहले ग्रेजुएशन डिग्री 3 ईयर्स की हुआ करती थी। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है 5 ईयर्स लॉ डिग्री परस्यू कर रहा है, तो वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स परस्यू करेगा, जहां पे LLB के साथ साथ वो BA या फिर BBA या फिर BSc जो है ये दो डिग्रीज एक साथ हासिल करता है 5 ईयर्स के पीरियड में। और देखिए, लॉ जो है ये हमेशा वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेस्टीजियस एंड एडमिरेशन के साथ देखा जाता है, बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर के साथ इसे देखा जाता है। बिकॉज एक प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है कॉम्प्लेक्स लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और आजकल तो हर एक घर में लीगल कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। हम इंडियंस हैं, हर एक घर में कोई ना कोई लीगल मामला जरूर निकल जाता है। कॉर्पोरेट में जैसे देश आगे बढ़ते जा रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट्स वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। लोगों के जो राइट्स हैं अब लोग उसे समझना स्टार्ट कर दिए हैं, इसीलिए हमें देखने मिलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूट्यूब का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, जहाँ पे IPR की वैल्यूज जो है ये बढ़ती जा रही है। तो लॉ कहाँ नहीं है, हर जगह है। हम राइट लेफ्ट जहाँ देखेंगे लॉ हर जगह है, और इसीलिए लॉ की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। बिकॉज एक प्रॉमिसिंग करियर होने के साथ साथ ये आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपका पर्सनल डेवलपमेंट और एडवांसमेंट हो सकता है। अब 5 ईयर जब आप लॉ परस्यू करते हो, तो आपके पूरे 5 साल जो है आप इन्वेस्ट करते हो अपनी लॉ की पढ़ाई में। अब जब हम अपने 5 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि ये 5 साल में
हम कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें जो है ये पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये 5 years में आप अपने करियर का एक फाउंडेशन स्टोन बिल्ड कर रहे हो। आपको समझ में आएगा कि क्या चीज जो है एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होती है, वो चीजें कैसे होती है, और आपको इनडेप्थ नॉलेज जो है ये मिलने वाली है लॉ की इन 5 सालों में। कौन से करियर ऑप्शन होते हैं ये आपके लिए अभी ओपन होंगे। यूजली जब हम लॉ की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि सिविल लॉ ऑप्शन है, क्रिमिनल लॉ ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन है, या फिर वो अगर हम बात करें आज के टाइम पे जो बहुत ही पॉपुलर बन रहा है वो है कॉर्पोरेट लॉ, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल। बट इट्स नॉट लाइक दैट गाइस, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, कौन सी चीज आपके लिए सही है, ये डिसाइड आपको करना होता है। बट ये तभी हो सकता है जब आपको अलग अलग ऑप्शंस के बारे में जानकारी हो, उसके एडवांटेजेस, उसके डिमांड का क्या जो चीज है मार्केट में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कितना करियर ग्रोथ हो सकता है। बिकॉज लॉ एज अ करियर जब हम परस्यू करते हैं, इन द एंड द मेन गोल इज कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ये अचीव कर सके। और जहां से हम ये 5 years डिग्री परस्यू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ग्रेजुएट जब आप होंगे तब आपके हाथ में एक इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री होगा। अब ये इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री जब आप पढ़ोगे तब आपका एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, उसके साथ साथ आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग एथिक्स जो है सीखोगे, आप कंपैशन जो है सीखोगे। बिकॉज ये एज अ लॉयर जो है आपको सिर्फ एक वकील के जैसे नहीं सोचना होता है, आपको एक पुलिस वाले के जैसे सोचना होगा, आपको डिफेंस लॉयर प्लेंटिफ के जैसे सोचना होगा, विक्टिम के जैसे सोचना होगा, पुलिस के जैसे सोचना होगा, जज के जैसे सोचना होगा, और लॉयर इज अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो वो चीज जो है जब आप लर्न करते हो, जब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, उसी तरीके से आपका फाउंडेशन जब बिल्ट होगा, आने वाला जो आपका करियर है ये और ज्यादा बेटर हो सकता है। और देखिए मार्केट में बहुत सारे लॉयर्स अवेलेबल होते हैं, बट हर एक लॉयर जो है ये सक्सेसफुल, इसका डेफिनेशन जो है सबके लिए अलग अलग होता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपना बेस जो है ये स्ट्रांग रखें, बिकॉज हर एक लॉयर जो है आई वुड से कि अपने फील्ड का मास्टर होता है। तो जब आप 5 years की डिग्री परस्यू करते हो, इन 5 years में जो आप सीखते हो, जैसे आपका फाउंडेशन बिल्ट होता है, जैसे आपकी ट्रेनिंग होती है, उसी हिसाब से आगे आपका करियर बिल्ड होगा जो आपको प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट देगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम लॉ डिग्री परस्यू कर रहे हैं तब जो हमारे मेंटोर्स हैं, ये मेंटोर्स जो है सही तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाए। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने सिर्फ बायोलॉजी की बुक पढ़ के वो एक एक्सपर्ट नहीं बन जाता है। क्या बुक पढ़ के वो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा क्या? नहीं ना। अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी तो लगेगी। अब उस वक्त गलतियां भी होंगी, गलतियों से सीखोगे तब जाके तो एक्सपर्ट बन पाओगे। तो गलतियां मेन फील्ड में एंटर होने से पहले अगर लर्निंग स्टेज पे सीखी जाती है तो वो ज्यादा बेहतर होती है। और यही चीज जो है आपको 5 ईयर लॉ डिग्री जो है ये प्रोवाइड करता है। और आज के टाइम पे जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स जो है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, हमेशा कोई ना कोई चीजें जो है उनके दिमाग में आती है, चैलेंजिंग सिचुएशन जो है उन्हें पसंद होती है, और लॉ चीज जो है ये फील्ड है आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो लॉ वो स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं जिन्हें लॉयर बन के लॉ को प्रैक्टिस करना है, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है, स्टिमुलेटिव चैलेंजेस को वो ओवरकम करना चाहते हैं, उनका माइंड जो है वो फास्ट है, एंड दे आर एबल टू आई वुड से के टैकल अ लॉट ऑफ थिंग्स एट अ टाइम। एंड साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स जो है बहुत जरूरी होती है। अब अगर हमें 5 years लॉ परस्यू करना है, हमेशा स्टूडेंट्स जो है 5 years के लिए क्यों ज्यादा करते हैं, बिकॉज हमारे देश में जो टॉप लॉ स्कूल्स हैं, जिसे हम NLUs बोलते हैं, NLU का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसे हमारे देश में इंजीनियरिंग के लिए IITs है, मैनेजमेंट स्ट्रेटेज MBA के लिए IIMs है, सिमिलरली लॉ की अगर हम बात करें तो देश में NLUs है।
अब अगर इन एनएलयूज में से अगर आपको लॉ परस्यू करना है गाइस, तो एनएलयू 5 ईयर लॉ डिग्री ही जो है ऑफर करते हैं, वहां पे 3 ईयर लॉ नहीं होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 5 ईयर जो लॉ है इसकी डिमांड जो है ये रैपिडली क्या होते जा रही है, ग्रो होते जा रही है। बट रिमेम्बर, क्लैट जो है ये एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है कंपल्सरीली अगर आपको एनएलयू में एडमिशन चाहिए। क्लैट एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिससे आप अपना 5 ईयर लॉ डिग्री परस्यू कर सकते हो। तो चलिए कुछ इनसाइट्स लेते हैं कि कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। सबसे पहले अगर मैं क्लैट की बात करूं गाइस, तो क्लैट एग्जाम जो है ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होती है जो आपको देश के 24 एनएलयूज में एडमिशन लेने का मौका देती है। ये एग्जाम एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम होती है। आपके स्क्रीन पे आप पेपर पैटर्न देख पा रहे हो। इसका डिटेल्ड वीडियो भी जो है मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर किसी स्टूडेंट का एम है कि उसे एनएलयू दिल्ली से पढ़ाई करनी है तो उसे आईलेट एग्जाम देनी पड़ती है। कोई स्टूडेंट अगर महाराष्ट्र में रह रहा है या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र भी रह रहा है, बट अगर उसका एम है कि उसे महाराष्ट्र की या देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल्स दैट इज जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे में से अगर पढ़ाई करनी है तो उसे महाराष्ट्र सीटी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। एंड अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटी जो है लेना चाहता है तो उसे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। पेपर पैटर्न आपके स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं बोलूं तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स दिए बिना भी क्या मैम हमारा एडमिशन हो सकता है? द आंसर इज नो गाइस। ये टॉप कॉलेजेस है। अगर आप देश के सबसे नंबर 1 लॉ स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो आपको क्लैट एग्जाम जो है ये देनी पड़ती है। दैट इज एनएलयू बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, जोधपुर, ये टॉप 5 एनएलयूज है। अगर आपको एनएलयू दिल्ली से पढ़ना है तो आईलेट एग्जाम देना है। अगर आप महाराष्ट्र के लॉ स्कूल्स में से पढ़ना चाहते हो तो जीएलसी मुंबई टॉप में आता है, उसके बाद आता है आईएलएस पुणे, फिरोदिया, प्रवीण गांधी एंड रिजवी लॉ कॉलेज। अगर आप देश के कुछ नामचीन यूनिवर्सिटीज जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक्सेट्रा से पढ़ना चाहते हो तो आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। एंड अगर आप देश के कुछ प्राइवेट लॉ स्कूल्स जैसे कि जिंदल, बिट्स, जीडी गोयनका, अलायंस से पढ़ना चाहते हो तो आपको एलसैट एग्जाम जो है ये देनी होती है। अब इसकी तैयारी कैसे करें इसकी चिंता आप मत करिए, बी एडू केयर आपके साथ है। बी एडू केयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट एंड इज नोन फॉर द प्रूवन रिजल्ट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अपनी ड्रीम कॉलेजेस में जो है ये जाते हैं। हर एक एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्ड में जानकारी जो है आपको हमारी यूट्यूब चैनल के अलावा हमारी ब्रांचेस में मिल जाएगी। ये हमारी ब्रांचेस के एड्रेस है जो मुंबई में है, घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो जहाँ पे आपको फ्री एग्जाम गाइडेंस जो है गाइस दिया जाएगा। इसके अलावा सपोजिंगली अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू चाहिए तो उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आपको सही कंटेंट मटेरियल चाहिए तो उसके लिए बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी के गाइस फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और हमारी ब्रांचेस में विजिट करिए अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो। या फिर आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। बी एडू केयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड यार अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके कर लो ताकि एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड अपडेट जो भी आए आपको तुरंत जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहे।